नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की। बता दें कि सोनाली फोगाट के केस में एक बाद एक ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जिसके बाद से परिवार लगातार इस मामले को सीबीआई को सौंपने की बात कर रहा है, क्योंकि बीते 11 दिनों से सुधीर सांगवान गोवा पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन केस अभी भी वहीं का वहीं अटका हुआ है, जिसकी वजह से परिवार की चिंता बढ़ रही है। बता दें इस मामले में सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर यह आग्रह किया है कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए, क्योंकि 11 दिन से ज्यादा हो गए हैं लेकिन अभी तक सोनाली फोगाट केस में कोई बड़ा यहां पर कदम उठाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लगातार सोनाली फोगाट के केस में गोवा पुलिस छानबीन तो कर रही है, अलग अलग जगह जाकर रेड कर रही है, सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गोवा पुलिस सबूतों के आधार पर सुधीर और सुखविंदर के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए उससे पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से परिवार काफी ज्यादा परेशान है। और यही वजह है कि उनकी बेटी यशोधरा फोगाट अब पीएम मोदी से ये मांग कर रही है कि उनके मां के केस को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। लेकिन इस बीच एक बड़ा कदम उठाया है सोनाली फोगाट के केस को लेकर हिसार की महापंचायत ने। जी हां, आपको बता दें कि हिसार की खाप महापंचायत कल होने जा रही है सोनाली फोगाट के केस को लेकर। अब इस महापंचायत में आखिरकार ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से गोवा पुलिस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और अब आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार क्या बड़ा एक्शन लेने वाली है हिसार की खाप महापंचायत। सोनाली फोगाट के केस में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जहां एक ओर गोवा कोर्ट का बड़ा फैसला देखने को मिला सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ। जी हां, इस मामले में कोर्ट ने 11 सितंबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में फिर से सुधीर और सुखविंदर को भेज दिया है। गोवा कोर्ट का ये मानना है कि इस मामले में अभी गोवा पुलिस को और ज्यादा बारीकी से पूछताछ करनी चाहिए सुधीर सांगवान और बाकी तमाम आरोपियों से। तो इसी बीच यहां पर एक बड़ा कदम देखने को मिला है हिसार की ढाका खाप पंचायत की ओर से। जी हाँ, आपको बता दें जहां एक ओर गोवा कोर्ट में सुधीर सांगवान की पेशी होनी है तो वहीं दूसरी ओर ढाका की खाप पंचायत एक महापंचायत करने वाली है, जिस बात की जानकारी खुद यहां पर खाप पंचायत के सरपंच दिनेश ढाका ने दी है। उन्होंने बताया कि 11 दिन से सुधीर सांगवान और तमाम आरोपी गोवा पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन जांच अभी तक वहीं की वहीं रुकी हुई है। आखिरकार क्यों इस मामले में अभी तक गोवा पुलिस की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया? क्यों लगातार गोवा पुलिस इस मामले में कोई भी रिपोर्ट देने से बच रही है? सिर्फ जांच हो रही है, रेड हो रही है, चाहे सोनाली फोगाट के ठिकाने हो या फिर सुधीर सांगवान के, वहां पर छानबीन हो रही है, सबूत हाथ लग रहे हैं, लेकिन पूरी की पूरी जांच कहां जाकर रुकी है इस बात पर गोवा पुलिस चुप्पी साधती हुई दिखाई दे रही है, जिसे देखते हुए अब खाप पंचायत ने बड़ा कदम उठाया है। आने वाली 11 सितंबर को खाप के सरपंच एक महापंचायत करने वाले हैं। इस बीच महिला आयोग ने सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट की सुरक्षा के लिए डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने यहां पर चिट्ठी में लिखते हुए कहा है कि जिस तरह से सोनाली फोगाट के खिलाफ साजिश रची गई उनके निधन के बाद साफ तौर पर खतरा अब उनकी बेटी पर भी मंडरा रहा है। सुरक्षा की जिम्मेदारी डीजीपी को सौंपने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर यहां पर यशोधरा फोगाट से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। यहां पर दोनों ने यशोधरा फोगाट से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी मां को जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाएगा। हालांकि इंसाफ मिल तो जाएगा, लेकिन कब मिलेगा इस पर अभी तक कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। बात करें अगर सोनाली फोगाट के केस की, तो सोनाली फोगाट के केस में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे तो हो रहे हैं, लेकिन इन खुलासों के बाद आखिरकार केस किस मोड़ पर जाकर पहुंचा है इस पर कहीं ना कहीं गोवा की सरकार और पुलिस चुप्पी साधती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद अब परिवार
लगातार इस केस को सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहा है, क्योंकि परिवार को ये डर है कि शायद इन सब चीजों की वजह से केस दब सकता है और सोनाली फोगाट को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। इसके साथ अगर बात करें यहाँ पर यशोधरा फोगाट की, तो बता दें कि उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिख यशोधरा ने ये मांग की कि उनकी मां यानी कि बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट के केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए। तो इस बीच सुधीर सांगवान को लेकर भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सबसे बड़ा खुलासा किया सुधीर सांगवान के पैतृक गांव हिसार के मुल्कान गांव में रहने वाले एक पशुपालक और किसान ने। जी हाँ, इस पशुपालक का नाम सुरेंद्र सिंह है। उसने बताया कि किस तरह से कोरोना काल के वक्त जब वो किसान सोनाली फोगाट से मदद मांगने के लिए पहुंचा था तो मदद तो नहीं दी लेकिन उससे पैसे ऐट लिए, और जब पैसे मांगने के लिए वो जब भी सुधीर सांगवान के पास जाता तो वो उसे डराता धमकाता था। उसने पूरी तरह से बताया कि साल 2020 में जब वो बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट से मदद मांगने के लिए पहुंचा तो सुधीर ने उसे रास्ते में ही रोक लिया और बताया कि जो भी काम है मुझे बताओ। तो उसने बताया कि उसे 5 लाख की जरूरत है। इस मांग पर सुधीर ने केवल 3 लाख रुपए ही दिए, बाकी के 2 लाख मांगने की बात जब भी सुरेंद्र सुधीर से करता तो सुधीर उसे डराता धमकाता, साथ ही यहां पर यह भी कहता कि इस बात की कानो कान खबर सोनाली को नहीं लगनी चाहिए, अगर इस बारे में किसी और को बताया तो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर सुरेंद्र का ये दावा है कि केवल सोनाली फोगाट ही ऐसी शख्स नहीं है जिसका पैसों के लिए सुधीर ने फायदा उठाया हो, कई और ऐसे लोग हैं जिनका इस तरह से फायदा उठा चुका है सुधीर सांगवान। यही वजह है कि अब इस मामले में सोनाली फोगाट के परिवार के बाद यहां पर हिसार के ढाका की खाप महापंचायत एक बड़ा कदम उठाने वाली है 11 सितंबर को। तो आखिरकार इस महापंचायत में क्या बड़ा फैसला निकल करके आता है, क्या वाकई इस महापंचायत के बाद ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है या नहीं। तो देखा आपने कि किस तरह से पूरी रणनीति यहां पर बनाई जा चुकी है खाप महापंचायत की ओर से। वहां की सरपंच ने भी ये साफ कर दिया है कि अब इस केस को सीबीआई को सौंपने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। ना तो उन्हें गोवा पुलिस पर भरोसा है और ना ही गोवा की सरकार पर। लगातार जिस तरह से परिवार इस मामले में अपनी आवाज उठा रहा था और अब परिवार के साथ जुड़ चुका है हिसार की खाप महापंचायत। आखिरकार इस महापंचायत के बाद क्या वाकई इस केस में कोई बड़ा मोड़ आता है, क्या कोई नया खुलासा होता है, क्या वाकई इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। आपकी इस पर क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।